अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 16 अक्टूबर 2020 जुमे का दिन है। तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की वॉलेशन के हवाले से, जेल जुर्माने डिपोर्टेशन। तो कल 9 लोगों को जुर्माने किए गए, 1000 रियाल जेल की सज़ा हुई कुछ लोगों को, बाकी को डिपोर्ट किया जाएगा। इससे पहले ही बहुत सारे लोगों ने वॉलेशन की थी कोरोना के रूल्स की, लेकिन उनको जुर्माने भी कम हुए। और हाईएस्ट जुर्माना था, आपको बताया कि गैदरिंग वगैरह पे या कोई भी दूसरी वॉलेशन करते तो 500 रियाल था। तो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि उन 72 लोगों की जो लिस्ट थी, जो अदालत में केस चल रहा था, उनका फैसला आया कि उनको 500 रियाल जुर्माना होगा, उनको जेल की या डिपोर्टेशन की सज़ा क्यों नहीं हुई। तो उन लोगों ने 14 अक्टूबर से पहले वॉलेशन की थी और वो स्प्रिंग कमेटी के लेटेस्ट जो डिसीजन था उसके अंडर नहीं आते। यानी जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा या जिनको जेल में सज़ा होगी, 1000 रियाल जुर्माना होगा, वो लोग हैं जो 14 अक्टूबर के बाद वॉलेशन करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने वॉयलेशन की थी उनके खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई की गई और 500 रियाल पर हेड जुर्माना किया गया। सो दिस इज द क्लेरिफिकेशन के 14 अक्टूबर से जो भी वॉयलेशन करेगा उसको डिपोर्ट किया जाएगा, जेल की सज़ा भी हो सकती है और 1000 रियाल जुर्माना होगा। इंशाल्लाह खैर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा रूल्स को फॉलो करें। और मैं बारह कहता हूँ कि रूल्स हमारी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, ना कि हमारी इंटरटेनमेंट के लिए कि हम ब्रेक करें और चिल मारें। ऐसा नहीं है, अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और हमेशा रूल्स को फॉलो करें। कहीं पर भी हूँ, कुछ भी करें, थोड़ा एहतियात के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।